जिनका एक तबेला जो घर के पीछे उन्होंने बनाया है, तो घर के तबेले के पीछे जो उनके गाय भैंस अभी बंधे हुए हैं, तो उसका जो चारा था उसके अंदर एक दामन सांप, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में जरफ बोला जाता है, और ये सांप को बहुत जहरीला माना जाता है, क्योंकि ये सांप अपने आकार और लंबाई के हिसाब से लोगों में डर का माहौल पैदा करता है कि इसमें वेनम नहीं है, और ये चूहों को खाने वाला सांप है, क्योंकि इसको इंग्लिश में रेड स्नेक से जाना जाता है, हिंदी में इसको घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है।
तो दोस्तों एक प्यारा सा जीव और ये हमारे घर के आगे पीछे चूहों की तलाश में आ जाता है। तो ये जो धामन साहब जिसको हमारे यहाँ बहुत अंधविश्वास, जो सांपों के बारे में अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास इतना ज़्यादा पनपता है कि लोग ऐसे बड़े साइज में जो सांप दिखते हैं तो उसको जहरीला ही मानते हैं और जहरीला मान के इसको मार देते हैं। लेकिन ये सांप हमारे जो भारत में, क्योंकि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जो सभी लोग ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर नपते हैं, खेत में जो अन्न उगाते हैं उसके ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ चूहों का कंट्रोल ये सांप करते हैं और कुदरत ने इसकी रचना भी ये प्रकृति के पर्यावरण के तहत इसलिए की है क्योंकि हमारे खेत में जो अन्न हम उगाते हैं तो चूहा, जो चूहे होते हैं वो अन्न को बिगाड़ते हैं, क्योंकि चूहों का एक कपल साल में 800 से 900 बच्चों को पैदा करता है और इसको कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने इसकी रचना की है। क्योंकि हमारे शिक्षा में, हमारे पढ़ाई में भी आता है कि सांप ये जो किसानों के मित्र होते हैं, तो मित्र इसलिए होते हैं कि चूहों को खात्मा ये करते हैं, क्योंकि 800 से 900 बच्चे अगर चूहों के जिंदा रहते हैं तो हमारे भाग में अन्न का एक भी दाना नहीं आएगा। तो हम ये सांप के बारे में लोगों के अंदर जो उनके अंदर जहन में जो डर घुसा है तो वो डर को हम निकालते हैं और लोगों में सही जानकारी हम देते हैं। तो दोस्तों ये सांप के बारे में लोगों में अंधश्रद्धा और अंधविश्वास है और इसको बहुत जहरीला मानते हैं और मानते हैं कि ये सांप अगर किसी को काट ले तो कोई पानी भी नहीं मांगता। तो दोस्तों ये सांप अगर किसी को काटता है तो ब्लड प्रेशर इंसान का हाई होता है, क्योंकि डर जो इंसान के जहन में डर है और सांप काटता है तो इंसान को एक घबरा जाता है और ब्लड प्रेशर उसका हाई होता है और ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण हार्ट अटैक आता है या दिमाग की नस पड़ जाती है और इंसान की डेथ होती है। तो बदनामी सांप होता है, इंसान अपनी गलती से मरता है और बदनामी सांप होता है और इस सांप को बदनाम करके लोग इसको जान से मार देते हैं। तो ये हमारे प्रकृति पर्यावरण के बहुत अच्छे मित्र है और बिना वजह काटते भी नहीं है, किसी को भी ये काटना पसंद नहीं करते। अगर ये काट भी लेता है तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें वेनम नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ तीन सांप, जिसका पहला नंबर है क्रेट, जिसको हमारी गुजराती लोकल लैंग्वेज में काड़ोतरा बोलते हैं, दूसरा है कोबरा जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में नाग बोला जाता है, और तीसरा है रसल स्वाइपर जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में चित्रा के नाम से जानते हैं। ये तीन सांप हमारे यहाँ जहरीले हैं, बाकी जितने भी दिखाई देते हैं सब जो जितने बिना जहर वाले हैं, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है, तो कल सुबह, क्योंकि हमारे जंगल के रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, तो कल सुबह इसको ले जाके हम सही सलामत जंगल में छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ये हमारे चिचड़े गांव के लोग, जो चिचड़ों करके हमारा जो गाँव है मोड़ा से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है, तो हमारे चिचड़ों गाँव के लोग जो सांपों को मारते नहीं हैं, बचाने में हमारी सहायता करते हैं। तो जो जीवत दान देता है वो हमारे लिए भगवान है, और जो जीवत दान देता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति को बचाना ये छोटा मोटा काम नहीं है। तो ये लोगों ने हमारा सहयोग किया है तो हम ये लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं और दिल से सैल्यूट भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। આજે મેં સીડોનો ગઈકાલે પકડ્યો, બધા છોકરાઓને પકડાયેલો, કારણ કે હું છે શિક્ષણ આજે જોડાશે તો બીક જશે, હાથ અડાશે તો બીક જશે, બાકી કોઈની બીક જવાનું નહીં આમને। પકડો વાંધો નહીં, તો સારી છે કૂતરું પકડ હોય દબાવવાનું નહીં, ફીત નહીં પકડવાનું, ખાલી પકડી રાખ બરાબર, આપણે ગભરાવાનું નહીં, કારણ કે શિક્ષા સાથે જોડવાનું છે, ગભરાવાનું નહીં, કઈ રાખ્યા સાથે હું નહીં મોનવાનું, હાથ પહેલા માં મળી જાય અને ગમે તે કરે એને ફરવા દેજે, તું તાર ગભરાતો નહીં, કશું જ નહીં કરો તું, કારણ કે નોર્મલ જીવ છે, લોકો ખાલી ખાલી માન ના કરે। એક હાથમાં પૂછવું લોકો
જે આત્મા તમને ભાવટ હોય અને આ સંભાવ અને ગમે તે હાથ ઉપર આમ જેમ ચડતો હોય ચિંતા ના કરતા, ગભરાવાની કોઈ જરૂર નહીં, આપ પહેરવાનું નહીં તમને. બાકી ગભરાશે તો ડાચું પર દબાવશો તો બચકું પર, આપણે દબાવવાનું નહીં. પ્રેમથી નોર્મલ પકડો અને સાપોની બીક કાઢો, ગભરાવાની કોઈ જરૂર નહીં. તમે ઓળખો નહીં તો નહીં પડે, કારણ કે હું કાઢું હોય તો ના કેવું, કારણ કે પહોંચ નહીં ઉતારી. પેલા તમારે શું ટ્રેનિંગ લેવી પડે, ઝાપનું ઓળખતા ઈ તમારા માટે સારામાં સારો સાપ છે ખેતી વાળો માટે. ઘર મોટી ઉંદરો હોય લાઈન મેલ દેવાનું, પણ દો ઉંદરો વેણી થાય છે. તમારે ગેમ કે બસ જોવાના માહિતી આલી છે જનાવરોની, કયો હાફ જેરી કયો બિંજે શ્વાસ લેવો પડે નહીં. તો દોસ્તો અભી ઇસકો હમ પેક કરવા ઓર કલ સુબહ લે જાકે ઇસકો હમ જંગલ મેં લે જાયેંગે ઓર છોડ દેંગે. બને રહીએ હમારે સાથ, હમારી ચેનલ અરવલ્લી કે પલ્લે કે સાથ. જય હિન્દ, જય ભારત. આટલો નિર્દોષ આપશે પણ આપણને મારી જ નાખ્યા. જો આપણને મારીને કોઈ મતલબ નથી, તમે નુકસાન કરો છો તમારું, કોને મારીને તમે તમારું પોતાનું નુકસાન કરો. કારણ કે આપ તમારો ખેતીમાં ઉત્પાદન વધારી પાકલી ખરી કાપડની તું પકડે તો એની કઈ રકમ, તમે કોઈ બી પકડ્યો તો એકાશું નહીં કરે. તમારે પકડ્યું હોય તો એનો વાંધો નહીં, છૂટશે. પકડવી છે બોલ, જીભ તો કાઢે નહીં તું, એ ખરો મોણસ. હા દોસ્તો, ચિચણો ગાવ જો લીંબોય ગાવ છે, આગે થોડા હોતા હે વહાં સે કે તબેલે, જો ગાય ભેંસ કા જો તબેલા હોતા ચારા હોતા હે ઇસકે અંદર કલ રાત કો ઘુસા હુઆ થા, તો કલ રાત ઇસકો હમને રેસ્ક્યુ કિયા થા. લેકિન રાત કો એ જંગલ કે રાસ્તે થોડે સહી નહીં હોતે, તો હમ અભી ઇસકો દિન મેં છોડને કે લિયે લાયે હે, તો ઇસકો હમ છોડ રહે. તો દોસ્તો, હમારા કામ હૈ પ્રકૃતિ ઓર પર્યાવરણ મેં સાપો કો જિંદા રખના ઓર લોગો મેં સાપો કે બારે મેં સહી જાનકારી દેના. તો હમ અભી ઇસકો હમ લાયે હે ઓર હમારે યે જો ફોરેસ્ટ કા જો જંગલ હૈ વહાં ગાય ભેંસ બકરી જો સબ લોગ ચરાને કે લિયે આતે હે, તો હમ એ જો બચ્ચે હૈ ઉનકો ભી હમ યહી નોલેજ દેતે હૈ કે એસે કોઈ સાપ આપકે આગે પીછે અગર દિખતે હૈ ગાય ભેંસ ચરાતે ટાઈમ, તો સાપો સે ડરે મત, ક્યોંકિ યે સાપ કિસી કો કોઈ નુકસાન કરને વાલે સાપ નહીં હૈ. લેકિન ઇન્સાન કી સોચ, જો સાપ કો બહોત બડા ઓર સાઇઝ મેં લંબા દિખતા હૈ તો શાયદ માર દેને કી ભાવના ઇન્સાન મેં હોતી હૈ. તો હમ લોગ યે જો ગાય ભેંસ બકરી ચરાને વાલે જો હમારે છોટે છોટે બચ્ચે હૈ
तो उनको भी हम ये सांप के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। पकड़ो ना आई जा घबरावनू नहीं जो बिल्कुल है पकड़ तन कशु नहीं कर ले जो पकड़ एक आधे पूछेगा ना बिल्कुल लूज पकड़ो दबावानू दबावानू तो बीक नहीं अकड़ी जाए बीवानी कोई जरूर नहीं कोई हाफ थी बीवानी कोई जरूर नहीं તતા મારો હું જ અમારા તો હું મૂકવો પડે કારણ કે જંગલ જા એટલે જંગલ માં તો મારે ગભરાવવાનું નહીં હાપતી બધા હાપ આપણે કઈડી જોઈએ કે આપણે મરી જઈએ એવું કશું નહીં હોતું લોકોની અંદર જ દઉં હા નાગ ચિત્રો ને કારોત્રો હોય તો માણસને કદાચ થોડી પીલે કશું જ નહીં કરે તું તારે બિંદાસ રહે આ જરબ પીએ છે બહુ લોકો ઝેરી સમજી છે પણ આમ ઝેર જ નહીં આવતી બરાબર તો દોસ્તો ઇધર જો ગાય ભેંસ ચરાને કે જો હમરે જો બંદે હૈ उनको हम सांपों के बारे में भी जानकारी देते हैं क्योंकि सांप इधर इनको शायद दिखता हो तो वो मारे नहीं क्योंकि इसको हम प्रकृति पर्यावरण में हम जिंदा रखने का ट्राई करते हैं तो हमारे जो मित्र है छोटे तो उनको हम ये पकड़ाते हैं क्योंकि उनका भी एक डर निकल जाए तो दोस्तों अभी इसको हम ये साइड छोड़ने के लिए जा रहे हैं पकड़ूंगा कोई ना जी और ये है हमारा सहयोगी मित्र जो पुसरी गांव धवल पंडे जो हमारे साथ अभी सांप को ट्रेनिंग सांप को जो पकड़ने की ट्रेनिंग हम इसको दे रहे हैं तो अभी ये थोड़ा बहुत रेडी हो गया है तो आगे जाके ये भी हमारी तरह बचाने का जो ट्राई करेगा तो प्रकृति और पर्यावरण में हमारे साथ जुड़ा है तो हम धवल का भी थोड़ा आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि ऐसा काम जो पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए जो पहल करता है तो वो भी हमारे लिए थोड़ा महान है पर्यावरण प्रकृति के लिए टाइम निकालना तो ये कॉलेज में पढ़ता है अभी और इसने हमारा सहयोग दिया है पर्यावरण प्रकृति में ऐसे सांप को बचाने के लिए तो उनके हाथ से हम ये सांप को अभी छोड़ रहे हैं तो ये जो दामन सांप अभी ये जो नेचर में अभी चला गया है तो हम लाके फॉरेस्ट हमारा जो इलाका है उसको हमने वहाँ छोड़ दिया है तो दोस्तों हमारा काम है प्रकृति और पर्यावरण में ऐसे सांपों को छोड़ना अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत।